दिल्ली में जो बाढ़ आई है ये केजरीवाल की देन है। दिल्ली में बाढ़ लाकर राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन को नौकाओं द्वारा केजरीवाल के नक्सलवादी गैंग द्वारा घेरने की साजिश रची जा रही है। ये सब एमपी नागर एडवोकेट साहब गुरु नाम सिंह चंदनी जी, मुझे बड़ी खुशी, इनकी मांगे बड़ी अच्छी मांगे हैं जो भी हम सब लोग मिलकर ये मांगे कर रहे हैं। इनमें से खास तौर से जो अंग्रेजों ने गुलामी के दौरान हमारा लगभग 10 खरब रुपया लूटा है और स्विस बैंक में जो 1,000,00,000 करोड़ रुपया इस देश को लूटने वाले कुछ लोगों ने लूटा है, इसी के साथ जो मठों और मंदिरों का जो राष्ट्रीयकरण करके उनका पैसा लूटा जा रहा है, संपत्ति लूटी जा रही है, गो हत्या की जा रही है, ये सब वो मांगे हैं जिनका दारा सेना लगातार उठाती रही है और समर्थन करती रही है। पिछले दिनों जब एनजीटी के चेयरमैन स्वतंत्र कुमार ने 10 से लेके 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया तो हमने कोर्ट में जाकर ही इनको घसीटा था। यहाँ पर सुप्रीम एनजीटी में देखता था मैं, सुप्रीम कोर्ट में भी देखता था, सर्वोच्च न्यायालय में देखता था कि वो चाहते हैं कि वहां पर उनके चुने हुए न्यायाधीश हैं, उनके चुने हुए वकील हैं और उनके चुने हुए ही वहां पर मीडिया कर्मी रहे, ताकि वहां पर इसके अलावा वो नहीं चाहते कि उनके अदालत में तीसरा लोग कोई प्रवेश करे, ताकि वहां उनकी गुंडागर्दी चलती रहे, संविधान का उल्लंघन चलता रहे। ये सब बातें मैं लगातार देख रहा था। तो जब हमने एनजीटी के चेयरमैन स्वतंत्र कुमार का वहां पर विरोध किया और उसकी कोर्ट में ही हमने सम विषम गाड़ियों के बारे में लिखा का विरोध किया और इसके अलावा जो 20 साल के जो गाड़ियां थी उनका जो अपने प्रतिबंध लगाया उसका विरोध किया, तो वो लोग काफी हद तक हिल गए। और इधर ताहिर हुसैन का घर है, उसके ठीक सामने मेरा घर है, 100 कदम दूरी पर पेट्रोल पंप पर आग लगाई गई, एक कोचिंग सेंटर था उसमें आग लगाई गई, उसमें आधे बच्चे मुस्लिम थे। मतलब ये झगड़ा हिंदू मुस्लिम का दिखाया जा रहा था, किंतु एक क्या कहा जा रहा है दिल्ली के बाढ़ को लेकर, क्या कहा जा रहा है कि हथनी कुंड के बैराज से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, तरह तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। आज से 7 साल पहले जब फोर्ड फाउंडेशन की एनजीओ का जो फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग खाता था, मनोज मिश्रा नाम का एक नक्सलवादी मधु भादड़ी जो केजरीवाल के चेले हैं, ये लोग जब एनजीटी में याचिका लगाते हैं कि जमुना में रेत की खुदाई पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो हमने स्वतंत्र कुमार के सामने विरोध किया। और ये देखिए मेरे पास उसका सबूत भी है और ये सब कह रहा है कि ये 15 अगस्त 2016 का भाषण है जिसमें हमने रेत की खुदाई पर प्रतिबंध की बात को उठाया था और हमने कहा था कि दिल्ली में एक आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है, जैसे संसद को पर अफजल गुरु ने हमला किया था और संसद को शमशान बनाने की साजिश रची गई थी। इस बार कोई उससे, क्योंकि यमुना में जो गुजर लोग हमारे रेत की खुदाई करके बरसों से यमुना को समेटे हुए थे, उसको साधे हुए थे, रेत खुदाई नहीं हुई है, उसी के कारण यमुना के गेट भी बंद हो गए। तो ये साजिश लगातार देश को बर्बाद करने की चल रही है, जिसके कारण बहुत बड़ी दिल्ली को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरी फैक्ट्री भी उस इलाके में थी, कम से कम 20 लाख का नुकसान मुझे हुआ है और आप समझ सकते हैं गांधीनगर के इलाके में दूसरे इलाकों में कि लोगों को कितना नुकसान हुआ होगा। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह की आतंकी साजिश केजरीवाल का जो देशद्रोही गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनके द्वारा लगातार चली जा रही है और इनका एक ही प्रयास रहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किसी न किसी तरीके से चौपट करना। यही गैंग है जिसने हमारे मंदिर मठों पर रोक लगाई, हमारे मंदिर मठों को जो है उस पर उसका पैसा यही गैंग इस्तेमाल कर रहा है ताकि हम लोगों को ईसाईकरण किया जा सके। मणिपुर की बात भी हमारे एक साथी ने छेड़ी थी, मणिपुर में वहां के सारे मंदिरों को जला दिया गया है, पूरे प्रदेश, पूरे इंग्लैंड की महारानी के इशारे पर, इंग्लैंड के महाराजा के इशारे पर, पोप के इशारे पर, यहां से हिंदुओं का पूरा लगातार सफाया किया जा रहा है, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, सारे मंदिरों को वहां के मणिपुर के ईसाइयों ने, पहाड़ी क्षेत्र के जितने मंदिर थे, केवल जो मंदिर बचे हैं वो केवल घाटी के क्षेत्र में बचे हैं मैते हिंदुओं के। तो एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत जो इंग्लैंड की महारानी महाराजा हमारे सिर पर बैठे हैं, यहाँ के लोग आतंकवादियों की फंडिंग कर रहे हैं, नक्सलवादियों की फंडिंग कर रहे हैं, देशद्रोह की फंडिंग कर रहे हैं, केजरीवाल की फंडिंग कर रहे हैं, जिसके जरिए यहाँ पर कई बाढ़ फैलाई जा रही है, कभी दंगा कराया जा रहा है, बिजली फ्री दी जा रही है, किंतु देश के साथ क्या हो रहा है, कितने करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अभी एक बड़ी झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि हथनी कुंड से जो नहरें थी उनमें पानी नहीं छोड़ा जा रहा है।
जबकि केजरीवाल के जो बाढ़ नियंत्रण अधिकारी थे, हरियाणा के अधिकारी थे, उत्तर प्रदेश के अधिकारी थे, उनमें यह तय हुआ था कि 1 लाख क्यूसेक से जैसे ही पानी ज्यादा होगा तुरंत ही नहरों का पानी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि नहरों में यमुना के नीचे का पानी जाता है और ऐसी अवस्था में यदि यमुना में पानी छोड़ दिया जाएगा तो नहरों में रेत जाएगा और रेत को नहरों को मैदान बनने में 2 घंटे ही लगेंगे, इसलिए उस पानी को छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि यदि नहरों में रेत जाएगा तो वो मैदान यमुना का मैदान बन जाएगा, वो बच्चे क्रिकेट खेलने लगेंगे। किंतु केजरीवाल जैसा एक IIT इंजीनियर इस तरह की भ्रम फैला रहा है, झूठ फैला रहा है। मैं भी एक IIT इंजीनियर हूं, किंतु केजरीवाल की तरह देशद्रोही नहीं हूं, मैं देश के लिए लड़ता हूं, फोर्ड फाउंडेशन पैसा खाता है, मैं अपना पैसा लगाकर इस देश के लिए लड़ता हूं। तो मेरा भाई और बहनों, मेरा यही अनुरोध है कि जिस तरह की साजिश इस देश के खिलाफ लड़ी जा रही है, और अतुल कोठारी जी जैसे युवा नेता हमारे, उनके तरुण कोठारी जैसे युवा नेता हमारे लिए लड़ रहे हैं, उस संघर्ष में आप सब लोग सहयोग करें और गाय माता की रक्षा के लिए, क्योंकि गाय माता की हत्या मुगल काल में भी नहीं हुआ, कुल बहादुर शाह जफर ने हाथी पर बैठकर मुनादी कराई थी कि मेरे राज्य में कोई हत्या नहीं कर सके। जो ये दिल्ली में बाढ़ आई ना, इस बाढ़ का भी धार्मिक महत्व है, धार्मिक कारण है, क्योंकि केजरीवाल जैसे देश यमुना में पूजा अर्चना पर रोक लगा दी। छठ जो छठ की पूजा हुई, वो कह रहा है कि छठ की पूजा पार्कों में होगी, पार्कों में पानी में खड़े होगा इंजाम नहीं था, बस जाओ देख घूमो, यमुना में घुसने दिया उसने। मैं खुद यमुना में गया तो बोले कि NGT का चेयरमैन कहता है कि यमुना में पूजा अर्चना करना मना है, किंतु NGT का चेयरमैन जब हमने उसके सामने बात रखी, बोले हमने कभी आदेश नहीं दिया, और ये सही था कि उसने कभी इस तरह का आदेश नहीं दिया। एक झूठ को परोसा जा रहा है, एक झूठ को खिलवाड़ किया जा रहा है, और इस देश के धर्म को, संस्कृति को नष्ट करने की साजिश रची जा रही है। कभी आपके दिवाली के पटाखों पर रोक लगाते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज, कभी कभी इसी तरह के, कभी फूल मूर्ति पर रोक लगाते हैं, क्योंकि मैं इनके खिलाफ खड़ा हुआ, इसलिए मुझे 14 महीने जेल में डाला गया। क्यों? क्योंकि मैंने इनका विरोध किया था कि जगन्नाथ की रथ यात्रा पर जब रोक लगाई शरद अरविंद बोबड़े ने, तो मैंने कहा था, मेरे व्हाट्सएप से एक संदेश गया कि इसके घर पर इसको जूते मारने चल रहा है, तो इतने में ही ये बौखला गए। उनका इनकी औकात नहीं है, इनकी ताकत नहीं है, आप लोग खड़े हुए अन्याय के खिलाफ, और इनमें ज्यादा हिम्मत नहीं, आपको अस्त्र शस्त्र उठाने की हिम्मत की ताकत। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मंच से हम हाथ जोड़कर निवेदन करें, सरकार के खिलाफ जाने से कोई फायदा नहीं है, खड़े होने से कोई फायदा नहीं, मोदी जी से या जो भी सरकार में, जो भी सरकार बैठे, हमारी मांगे बहुत अच्छी अच्छी मांगे हैं, मठ मंदिरों सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराने, गो हत्या बंदी की, डीजल कारों पर रोक लगाने की, वो तो GST जितने मांगे अच्छी मांगे हैं, इन मांगों के समर्थन के लिए, इन बातों को कहने के लिए हम सरकार के खिलाफ ना खड़ा होकर अपनी बात रखें और सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हमारी सही बातों को माने। बस यही कहना चाहता हूँ, गो हत्या आ रही है उस पर प्रतिबंध लगाने बात है, जो मठ मंदिरों की हमारी संपत्ति को सरकार ने कई राज्यों में उसको ईसाइयों के हवाले कर रही है, उसके खिलाफ मुद्दा था। इसके अलावा जो स्टेट बैंक में जो पैसा है जमा है 1,000 करोड़ लाख करोड़ रुपया, उसके बारे में बातचीत थी। इसके अलावा जो अंग्रेज यहाँ से लूट कर ले गए लगभग 10 खरब रुपया, उसके बारे में बातचीत थी। इसके अलावा किस तरह से आतंकी साजिश रच के इस देश को बर्बाद किया जा रहा है, और खासतौर से जो केजरीवाल का टुकड़े गैंग है, देशद्रोही गैंग है, ये लोग लगातार साजिश करके कभी दिल्ली को दंगे की आग में झोंकते हैं, कभी दिल्ली में बाढ़ ला देते हैं। ये जो बाढ़ आई है ना दिल्ली में, ये मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ इस बाढ़ के बारे में। अब से पहले हमने 15/8/2016 को ये ज्ञापन दिया था हमने सरकार को, प्रेस विज्ञप्ति थी, और इसमें वीडियो भी मिल जाएगी आपको यूट्यूब पर, ये सब हमने दिखाया था। इसमें हमने यही कहा था कि NGT में कुछ याचिकाकर्ता थे जो इनको फोर्ड फाउंडेशन से मदद मिलती थी, मनोज मिश्रा, मधु भादुड़ी, ये वही केजरीवाल के नक्सलवादी गैंग के लोग हैं, ये जिनके कई बार जो नक्सलवादियों के बिना जैसे देशद्रोह के समर्थन में कोई ज्ञापन दिया गया, उसमें केजरीवाल के साथ साथ मधु भादुड़ी और उसके पति के भी हस्ताक्षर हैं। तो इस गैंग ने याचिका लगाई कि यमुना में रेत की खुदाई पर प्रतिबंध, रेत माफिया काम कर रहे हैं, रेत की लूट हो रही है, जबकि हमारे गुजर भाई खुद रेत खोदते थे फावड़ों से और निकाल के सस्ते मूल्य पर बेच रहे थे, और इसी काम में इन लोगों ने 7,000 करोड़ की लूटपाट की रेत को खोदने में। जब देखिए मैं वो इसी बात पर आ रहा हूँ, हमारी मांग सारी राष्ट्र इसमें मांगे हैं, और मैं अभी पहले अपनी बात पूरी करता हूँ, कैसे दिल्ली को बाढ़ में डुबाने की साजिश रची गई है। तो यमुना में रेत का लेवल बढ़ गया, उस समय हमने 15 अगस्त 2016 को हमने, मैं और स्वामी ओम जी ने भाषण दिया था दिल्ली में, और उस भाषण में हमने अपनी बात रखी थी और कहा था
कि एक बड़ी साजिश के तहत यमुना का स्तर, रेत का स्तर 2 मीटर ऊपर बढ़ा जा रहा है, ताकि इस बार राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन भी बाढ़ की चपेट में आ जाए। और केजरीवाल गैंग, ये टूटे फूटे गैंग के लोग पहले भी संसद भवन पर हमला कर चुके अफजल गुरु के को लेकर, और उसमें उनकी मनसा यही थी कि प्रधानमंत्री को, जो भी उपराष्ट्रपति जो संसद भवन में रहते हैं, उन सबको हत्या कर दिया, मार दिया जाए। ऐसी योजना ये फोर्ट फाउंडेशन के गैंग चला रहा था, जिसका मकसद था कि यमुना में 209 मीटर की बाढ़ लाई जाए, जिससे राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन भी उस बाढ़ से घिर जाए और उन पर आतंकी हमला किया जा सके। ये बात गृह मंत्रालय में गई, उन्होंने हमसे पूछा जैन साहब क्या बोल रहे हैं, मैंने कहा जो बोल रहा है ठीक बोल रहा हूँ, और आज वो बात सच हो गई। दिल्ली में 209 मीटर की बाढ़ आई है, 209 मीटर की बाढ़ आई है। हमने फिर सचेत किया सरकार को कि राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन की सुरक्षा की जाए, बढ़ा दी जाए। उन्होंने वो सुरक्षा बढ़ाई, क्या किया मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि बाढ़ में हम भी घिरे हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये टुकड़े टुकड़े किया गया, देशद्रोही किया गया, और जिसके केजरीवाल जैसे सरगना है वो इस देश को लूटने की, बर्बाद करने की लगातार साजिश रचने हैं। बाढ़ की साजिश रची किसने? सुप्रीम कोर्ट के, क्या रुकावट करेगी? सुप्रीम कोर्ट के जज चेयरमैन था एनजीटी का स्वतंत्र कुमार ने इस साजिश में शामिल होकर उनकी याचिका सुनी और रेत की खुदाई प्रतिबंध लगा, इसके पीछे केजरीवाल था। जितनी भी फोर्ट फाउंडेशन की फंडिंग से केजरीवाल चल रहा हो, चल रहा है, कोई भी देश के हित में काम नहीं कर सकता। एक झूठ और बोला जा रहा है कि नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया, जबकि खुद कानून बना है बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा खुद कानून बनाया कि यमुना में यदि 1 लाख क्यूसेक से पानी ज्यादा छोड़ा जाएगा तो ये जो नहरों के दरवाजे हैं खुद पर खुद बंद हो जाएंगे, क्योंकि यदि उस दौरान नहरों में पानी छोड़ा जाता है तो उसमें रेत ही रेत जाएगा, क्योंकि नीचे का पानी जाता है उसमें। और ये जो यमुना के, ये यमुना की जो दोनों नहरें हैं, इनको रेत से भरने में 2 ही घंटे लगेंगे, किंतु केजरीवाल एक IIT इंजीनियरों का झूठ फैला रहा है लगातार, और झूठ को परेश रहा है मीडिया का एक बड़ा वर्ग जिसका एडवर्टाइजमेंट का पैसा खाता है, वो इस झूठ को फैला रहा है। कोई उससे ये पूछने को नहीं आया कि यदि नदियों में रेत भर जाएगा तो बाढ़ वहाँ भी आ जाएगी। ऐसे ही जो गेट है कि 5 गेट बंद थे, उसका बात मुद्दा उठाया जा रहा है। अरे जब रेत ही तो तेरे बालू में भर गए हैं तो गेट ऊपर उठाएंगे कैसे? मगर दिल्ली सरकार तो रेत पर आरोप लगा रही है, मैं बताता रहा हूँ, फोर्ट जो रेत की खुदाई पर प्रतिबंध लगाया वो वही फोर्ट फाउंडेशन का एजेंट है जिसको केजरीवाल फंडिंग करता है, जिनकी फंडिंग केजरीवाल करता है, रेत की खुदाई पर प्रतिबंध लगाने वाली वही फोर्ट फाउंडेशन, वही स्वतंत्र कुमार था जो उसकी फंडिंग को खाता है। धारासेना क्या करेगी? देखिए धारासेना लगी हुई है, देश हित में लगी हुई है सदाई, और सदा से कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर रही है लगातार, और देश को हमने सचेत किया था यमुना में 209 मीटर की बाढ़ लाई जा रही है। ये देख देख सकते हैं 2016 का ये कागज है जिसमें लिखा हुआ है पूरा अच्छी तरह से, सब बातें को बताई गई है। हम तो लगातार देश को सचेत कर रहे हैं, और केजरीवाल जैसा देशद्रोही यदि दिल्ली में रहेगा अभी और दिल्ली बर्बाद होगी। मैं तो अपने जो भी कर्मचारी हमारे उनको आदेश दूंगा कि यदि हमारी फैक्ट्री चलानी है, यदि अपने कारखाने चलाने हैं, तो केजरीवाल जैसे देशद्रोही को 300 रुपए के चक्कर में, महीने के चक्कर में वोट मत दे देना, नहीं तो दिल्ली बर्बाद होने, फैक्ट्री बंद होने में कोई कमी नहीं रहेगी।